हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका माय ब्लॉग के अंदर में। और आज हमारा है शोल्डर्स का डे, और लगभग एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर ली है। अब दो तीन एक्सरसाइज बची हुई है हमारी, वो भी फटाफट कंप्लीट करते हैं और फिर आगे मिलते हैं आपसे आज के दिन में। हमारे भाई लोग यहाँ पर, ये हमारे ट्रेनर भाई हैं, ये हमारे हरीशु भाई हैं। गाइस ध्यान से देखिए, कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ एक बंदर बैठा है, वहाँ एक बंदर बैठा है, ये देखो पीछे इसके एक बैठा हुआ है, बहुत सारे बंदर हैं। ये देखो छोटी सी बंदरिया बैठी हुई है, ये देखो कितने सारे बंदर खेल रहे हैं इधर, वो देखो कितने सारे बंदर बैठे हुए भाई। बख्शी का तालाब पे भाई आप आइए और आपको बंदर ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता भाई। जब भी हम जो है जिम से निकलते हैं, मौसम देखो कितना अच्छा है आज का, बादल बदल है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी जैसे ही हम निकलते हैं जिम से तो पानी गिरना शुरू हो जाता है। तो अभी हल्की हल्की बूंदे पड़ना चालू हो गई हैं, देखो क्या होता है। हमारी अम्मा जी अम्मा जी हमारी चावल बिनती हुई और हमारी मम्मी जी चाय पीती हुई। बन रही है करेले की सब्जी, हमारी बुआ जी सब्जी काट रही है। बांग्लादेश में आज कार्यभार संभालेगी अंतिम सरकार। पिताजी हमारे जो है पेपर पढ़ते हुए। तो गाइस हमारा आज का ब्रेकफास्ट आ चुका है, चाय और ब्रेड। चलो भाई गाइस, हमारे चाचा जी और का ना प्रेम कम पड़ रहा है, पहले चाय पीता है ये लड़का, बच्चा बतियातो ना सीधा से मिल लिया है, क्यों पाना कितने दिन बाद आया प्लास्टिक तो कुत्ता और बिल्ली खरगोश खाली था ले लिया था, नहीं बगल वाला प्लाट खाली था, ये लोग खेल रहे थे, तो गाय आई होगी तो ये बहुत बहादुर बच्चे कान पकड़ के खड़े थे गाय, बॉल उठाने गए, उसका कान पकड़े खड़े थे, कान नहीं पकड़े थे उसको, लगा इतना उठाने को तुरंत सीढ़ियां तो उनके लिए बनी है जिनको छत पे जाना है, सीढ़ियां तो उनके लिए बनी है जिनको छत पे जाना है, आसमां पे हो जिनकी नज़र, रास्ता तो उन्हें खुद बनाना है। जी हाँ दोस्तों, रास्ता आपको खुद ही बनाना पड़ेगा अगर आपको सफल होना है तो। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है यहाँ पर कि एक बार एक घोंसला होता है चिड़िया का, और उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं चिड़िया के, और चिड़िया होती है तो बच्चे देखते हैं आसमान की तरफ ऐसे, और आसमान की तरफ देखते हुए जो बच्चे हैं वो देखते क्या है कि बहुत सारी चिड़िया उड़ रही होती हैं, ठीक है, जो चिड़िया बड़ी हो चुकी होती हैं वो उड़ रही होती हैं। सो मम्मी से पूछती हैं अपनी कि मम्मी ये सब उड़ रहे हैं, तो मम्मी कहती हैं उनकी कि बेटा ये सब तो उड़ रहे हैं, तू भी उड़ सकती है, कूद जा। मतलब कहती घोंसले से नीचे कूद जा, घोंसला जो है पेड़ पर काफ़ी ऊँचाई पर होता है। तो ज़िंदगी के अंदर में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आप भी बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, फील्ड पे ऑन फील्ड जो मिले जैसे मिले, कहते हैं कि चल सकते हैं तो चलिए, रेंग सकते हैं तो रेंगिए, लेकिन चलते रहिए, रुकिए मत। तो आप ज़िंदगी में अगर कुछ मुकाम पाना चाहते हैं तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत करिए, जुनून के साथ में काम करिए, आज नहीं तो कल वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और सफलता की इस राह के अंदर में कुछ गलतियाँ हैं वो बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पहली जो गलती है वो है डिलेड एक्शन। इसका मतलब ये है कि आप जो भी स्टेप लेना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, उसमें बिल्कुल भी संकोच मत करिए, कर डालिए, प्रोकेस्टिनेट ना करिए। बहुत लोग क्या होता है ना, सोचते रहते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे, छोड़ देते हैं, टाल देते हैं काम को, तो वो मत करिए। डिले मत करिए अपने एक्शंस को, अपने काम को जितनी जल्दी हो सके वो निपटा दीजिए। पहली चीज़, पहली गलती ये लोग करते हैं।
दूसरी गलती भाई, सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं आज इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है इसके अंदर में। लोग रील्स पे रील्स और शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स देखते हैं बहुत सारा अपना टाइम, दिन में 2 घंटे 3 घंटे 5-5 घंटे का लोगों का स्क्रीन टाइम हो जाता है, और लोगों को पता भी नहीं चलता कि इतना भाई हमारा स्क्रीन टाइम हो गया है। तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, जो भी आपका समय है उसको प्रोडक्टिव कामों में, प्रोडक्टिव चीज़ों में, प्रोडक्टिव लोगों के साथ में लगाइए, जिससे आप एक अच्छे माहौल में रहें, आपका माइंडसेट सही रहे और दिमाग ठिकाने पर रहे, जिसको बोलते हैं। तीसरी गलती जो बहुत लोग करते हैं, हमेशा करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि पता नहीं उनको क्या मिलता है इस गलती को करके बार बार, वो है प्लीजिंग एवरीबडी। हर किसी को भाई खुश करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, क्योंकि कभी आप नहीं कर सकते हो हर किसी को खुश, कोई ना कोई कभी ना कभी आपसे नाराज़ रहने वाला है। तो बिल्कुल यार, आप एकदम निश्चिंत रहिए, आप अपने तरफ से अपने एफर्ट डालते रहिए, आप जो अपना काम कर रहे हैं उस पर फोकस रहिए, अपने गोल पर फोकस रहिए, क्योंकि ये गलतियाँ लोग करते हैं, इस वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते। जितने भी कामयाब लोग हैं भाई, वो बहुत सेल्फिश होते हैं, वो अपने काम को लेके, अपने सपनों को लेके बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश रहते हैं। सो अगर आपको भी कामयाब बनना है तो आप भी भैया सेल्फिश रहिए अपनी ड्रीम की तरफ, और कोशिश करिए कि जी जान से जुनून के साथ में अपने गोल्स पर ही नज़र रखिए, अपने एम पर नज़र रखिए, कहीं और नज़र भटकेगी तो फिर दुर्घटना हो जाएगी, मतलब आपका सपना पूरा नहीं होगा सर। और चौथी गलती जो लोग करते हैं वो है बैड कंपनी। जी हाँ दोस्तों, बुरी संगत आपको ज़िंदगी में वो सब कुछ करवाएगी जो आपको नहीं करना चाहिए, और अच्छी संगत आपसे वो सब कुछ करवाएगी जो आपको करना चाहिए। अगर आप एक अच्छी संगत के अंदर में है तो ज़िंदगी में सफल होना आपका तय है, आज नहीं तो कल आप सफल हो जाएंगे, भले ही देर से लेकिन दुरुस्त आएंगे। सो अच्छी संगत में रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, जहाँ पर आपके विचार अच्छे हों, आपकी सोच बड़ी हो, नए नए अच्छे अच्छे विचार आपके मन में आए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को और भी खुशनुमा कर सकें, अपनी ज़िंदगी का और आनंद ले सकें। बैड कंपनी में रहेंगे तो ज़िंदगी में समय बर्बाद होगा, आपकी नीयत बर्बाद होगी, आपकी सोच ख़राब होगी, आपकी सोच छोटी भी हो जाएगी, तो ख़राब संगत में ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और लास्ट, सबसे आखिरी चीज़ जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वो है भाई अपनी सेहत का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं। ठीक है, जब मर्ज़ी आता है, जो मर्ज़ी आता है खा लेते हैं, धीरे 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 पेट निकलना चालू होता है, फिर पेट निकलने से सारी दिक्कतें चालू हो जाती हैं, अलग अलग टाइप की दिक्कतें आ जाती हैं, आँखों की दिक्कत, किसी को शुगर की दिक्कत, किसी को बीपी की दिक्कत, हार्ट की प्रॉब्लम, बहुत सारी एक्सपेक्टेड चीज़ें आ जाती हैं जब आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं रखते हैं। तो कोशिश करिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है, मेडिटेट करिए, योगा करिए, नहीं हो रहा तो जिम चले जाइए सबसे बेस्ट। सो भाई अपने आप को फिट रखिए, अच्छी हेल्दी चीज़ें खाइए, हरी चीज़ें खाइए ज़्यादातर, ठीक है। फास्ट फूड आप देखते होगे मेरे व्लॉग में, तो भाई मैं बहुत कम खाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं कम खाऊँ, हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाऊँ, तो मैं भाई कोशिश कर रहा हूँ अपनी हेल्थ के ऊपर में अभी से ही। और आपसे भी रिक्वेस्ट है भाई कि आप भी अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप साथ साथ में आपके आसपास जितने लोग हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करते हो कि यार वो भी अपनी हेल्थ अच्छी रखें। अगर आप फिट एंड फाइन रहेंगे तो आपके आसपास के लोग भी आपको देख के आपसे इंस्पायर होंगे कि हाँ भाई अगर ये फिट एंड फाइन है तो हम भी फिट एंड फाइन रहेंगे। सो कोशिश करिए कि अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखें, तो ये 5 गलती मत करिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी अपने सपनों तक आप पहुँच जाएंगे। सो बहुत हो गई भाई ज्ञान की बातें, ये बातें मैंने आज सीखी थी तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर दूं, मे भी शायद कुछ हेल्प आ जाए। सो आज का व्लॉग भाई काफ़ी लंबा हो गया है, और आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आप लगातार प्यार बरसा रहे हैं हमारे व्लॉग्स के अंदर में, और ऐसी ही कुछ ज्ञान की बातें मैं कोशिश करूँगा कि बीच बीच में आपको देता रहूँ, जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं आपको बताता रहूँ कि यार मैंने क्या सीखा, और अगर मैं बीच में कुछ गलत बोलूँ तो भाई मुझे करेक्ट भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला है, आराम से आकर के अपने विचार वहाँ पर प्रकट कर सकते हैं आप, ताकि मैं भी कुछ जानूँ भाई, आपसे इंटरेक्शन हो मेरा। तो अगर व्लॉग देखते हो तो भाई लाइक करना मत भूलिए, ठीक है, हर व्लॉग को लाइक करेंगे, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके कमेंट से मुझे और मोटिवेशन मिलता है, और आपके सब्सक्राइब से तो भैया महा मोटिवेशन मिलता है। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का और अपनी सेहत का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।